नमस्कार, मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। लोहाघाट में परिवहन निगम के खिलाफ ठेका प्रथा का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इन ठेका एजेंसियों के द्वारा रोडवेज कर्मियों के फंड के पैसे डकारे गए और उनका उत्पीड़न किया गया। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज मिश्रा ने बताया, एक बार फिर से उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा ठेका प्रथा शुरू करवाने के लिए नई एजेंसी नियुक्त करी गई है, जिसका रोडवेज कर्मी विरोध करते हैं। ठेका प्रथा में रोडवेज कर्मियों का जमकर उत्पीड़न होता है, समय से वेतन नहीं मिलता है और पीएफ के पैसों में भी घोटाला होता है। देखिए, ऐसा है, 2013 में यूनियन द्वारा बड़ी मुश्किल से इस ठेका प्रथा को हटाया गया था। दो एजेंसियां थी, बिल्कुल स्टेट कर दी गई थी, जिन्होंने फंड का पैसा गबन करा था। आज तक उन कर्मचारियों का पैसा खाते में नहीं आया है, प्रबंधन सब जानता है। और दोबारा फिर एक नई एजेंसी को अनुबंध किया गया है रोडवेज में ठेका प्रथा के लिए, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं और उसको हम आने भी नहीं देंगे। पूर्व में जो एजेंसियां थी, कोर्ट के द्वारा भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ब्लैकलिस्टेड की गई हैं, उसके बावजूद भी ये दोबारा ठेका प्रथा रोडवेज में लाना चाहते हैं। उससे और ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ेगा कर्मचारियों का, समय से वेतन नहीं मिलेगा, पीएफ का जो पैसा है उस पर भी संशय बना रहेगा जमा करने के लिए। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, पूरे प्रदेश में इसका विरोध चल रहा है और 31 तारीख को हम लोग काली पट्टी बांधेंगे हाथ पे और एक स्टिकर लगाएंगे, उस पर लिखा रहेगा कि हम ठेका प्रथा का विरोध करते हैं।